हाय गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन मेक योर साइनॉप्सिस। और उससे पहले आपको जो भी आपका एक्स्ट्रा काम करना होता है वो कैसे करना है और उसका क्या क्या करोगे आप, जो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है मैं आपको वो बताऊंगी। मैंने ऑलरेडी जो इंटर्नशिप वगैरह के वीडियो है और प्रैक्टिकल फाइल की है वो मैंने इसमें डाल रखी है। सो ये आपको यहाँ से दिख जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, मास्टर इन साइकोलॉजी प्लेलिस्ट में, जो बाप ऑफ बीएलएड चैनल है, या फिर आप जो उसका होम पेज है वहाँ पे भी आप देख सकते हो। वो हाईलाइटेड वीडियोज़ हैं, प्रैक्टिकल फाइल और आपका जो इंटर्नशिप फाइल है उसका, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सबसे पहले साइनॉप्सिस के लिए पहला स्टेप आपको क्या करना है। सबसे पहले आप बनाओगे अपना कंसेंट लेटर, ठीक है। जो आपका कंसेंट लेटर है वो आप बना के, जो आपका हेड है ऑफकोर्स ऑनलाइन चल रहा है सारा, तो आप ऑनलाइन उनको भेजोगे और आपको सिर्फ उनको ये बोलना है कि मुझे ये जो मेल है उसको रिवर्ट कर दो, ताकि वो सेम टू सेम चेप के अपने नाम से रिवर्ट कर दें, क्योंकि वो आपको दिखाना होता है, ठीक है। और ये आपका कंसेंट लेटर है, जो ये कंसेंट लेटर है ये आपका है अपेंडिक्स 4, ठीक है। ये जितने भी अपेंडिक्स आपके लगेंगे, जो भी आपका 1, 2, 3, 4 अपेंडिक्स लगेगा, ये सारा का सारा आपको प्रोग्राम गाइड या मैनुअल में दे रखा है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और या फिर जो आपको ऑफलाइन मिल रखी हैं बुक्स उसके अंदर भी ये है, ठीक है। इसके बाद में जो आपका हेड है वो अपना जो बोला था ना उसको रिवर्ट करना है मेल को, तो वो रिवर्ट करेगा कि आई हेयरवेयर एक्सप्रेस में कंसेंट टू बी अ गाइड ऑफ दिस दिस दिस, और ये आपको स्क्रीनशॉट दिखाना होता है, ठीक है। और या फिर ये आपको सेम मेल RCD2 में भेजनी होती है कि आपका जो गाइड है वो अप्रूव हो गया है, ठीक है। एक बार फिर जो आपका ऐसे यहाँ से कंसेंट आ जाता है गाइड का, तो उसके बाद आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको बनाना शुरू कर सकते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं लास्ट में बताऊँगी, मतलब ये साइनॉप्सिस से हट के बात है कि आपको कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए गाइड को सिलेक्ट करते वक्त, और इसमें हमारे साथ में क्या एक्सपीरियंस हुआ था, तो ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि अगर किसी को नहीं सुनना है तो वो कंटिन्यू कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये एंड में बताऊंगी जब आपका वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो साइनॉप्सिस है उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, ठीक है। सबसे पहले आपको चाहिए अपेंडिक्स 1, ये भी आपको मिल जाएगा प्रोग्राम मैनुअल में, ठीक है। ये होता है आपका परफॉर्मा फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस। इसमें अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे, कोर्स को डालोगे, वही अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह ये सब डालोगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना वही साइन वाइन करना होगा। आपका जो शरीर सेंटर है वो आपको मेंशन करना है, आपका जो रीजन सेंटर है हमारा राजघाट है तो हमको वो मेंशन करना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप अपना बताओगे कि आपका टाइटल क्या है, आपके जो प्रोजेक्ट है उसका। नीचे फिर आपका जो हेड है उनका नाम आएगा और उनका एड्रेस वगैरह आएगा, फिर आपका डेट वगैरह ये सब आता है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा अपेंडिक्स 4, विच इज़ द कंसेंट लेटर ऑफ गाइड, और यही वो लेटर है जो आप सबसे पहले स्टार्टिंग में भेजते हो, ठीक है। ये भी आपको मैनुअल में मिल जाएगा। इसमें आपका टॉपिक का नाम आएगा, आपका नाम आएगा, एनरोलमेंट नंबर आएगा, और अंडर द गाइडेंस ऑफ जो आपका गाइड है वो, उनका डेजिग्नेशन, उनका एड्रेस और जो आपकी डेट है वो, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका अपेंडिक्स 5, ठीक है। सो अपेंडिक्स 5 सेम आपको उसमें मिल जाएगा, ये है आपका फॉर्मेट ऑफ बायोडाटा फॉर गाइड, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट होता है, और ये साथ में जो गाइड होता है वो भर के दे देता है आपको, ठीक है। भर के भी क्या देता है, वो अपनी डिटेल्स दे देता है, आपको खुद ही भरना होता है, ठीक है। ये आपका आ गया ग्रेड कार्ड, या आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो आपका हमारा आईडी है। और उसके बाद आता है आपका जो मेन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो। सबसे पहले आएगी आपकी हेडिंग, एग्जामिनिंग द इंपैक्ट ऑफ डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स ऑन सेल्फ एस्टीम ऑफ एडोलेसेंट्स। फिर आपका जो कोर्स कर रहे हो वो सबमिटेड बाय, जो आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका रीजनल सेंटर, आपने कहाँ से करा है, आप किसके सुपरविजन में कर रहे हो और आपका उसका नाम, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये सब 3-4 पेज का होगा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में ये आता है कि आप मतलब क्या कर रहे हो, किस बारे में कर रहे हो, थोड़े से थ्योरिस्ट के नाम डालते हो और उन्होंने जिस जिस सन में करा हुआ है, ईयर में करा हुआ है, वो लिखते हो, ठीक है। थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हो। फिर आता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप 8 से 10 वो डालोगे मिनिमम, जो लिटरेचर की रीडिंग्स हैं। और जो साइनॉप्सिस होता है वो आपका लगभग वैसे 10 पन्ने का बनेगा, मतलब कि जो बाकी सब अपेंडिक्स वगैरह हटा के, ठीक है। मेरा वैसे साइनॉप्सिस 12 से 15 पन्ने का बनता है, ठीक है। और उसके बाद 10 पन्ने ऑलमोस्ट आपके जो अपेंडिक्स है उसके लग जाते हैं, ठीक है। ये सारा आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो है। इसके बाद आ गया आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी ये बताती है कि आप जो कर रहे हो कैसे कर रहे हो, आप क्या क्या टूल्स वगैरह यूज़ करोगे, तो मतलब इसके अंदर काफ़ी सब टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, आपने अपना टाइटल सेम चेप देना है, ठीक है। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी कि आप ये क्यों कर रहे हो, आपको क्या पता लगाना है। फिर हाइपोथेसिस, जो इसमें वो आता है जो वेरिएबल्स होते हैं उनको यहाँ पे डालते हो, और आप ये बताना चाहते हो कि इस वेरिएबल से ये फ़र्क पड़ेगा, इस वेरिएबल से ये फ़र्क पड़ेगा, और इसको लिखने का तरीका होता है जैसे मैंने लिखा है वैसे कोशिश करना। फिर है ना ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द की टर्म है, तो बेसिकली जो भी आपके टाइटल में वर्ड्स हैं उनको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका टूल। तो ये यहाँ पे ये कि आपने कौन से टूल्स वगैरह यूज़ करें, कौन से टेस्ट अपने यूज़ करें, ठीक है।
तो जैसे मैंने यहाँ पे पेरेंटल अथॉरिटी क्वेश्चन डाल रखा है, बच्चे का सेल्फ इस्टीम चेक करने के लिए डाला हुआ है। फिर आपका डाटा एनालिसिस आता है कि आपने किस में कहाँ से क्या निकाला है। इसमें फिर मैंने रोजनबर्ग सेल्फ इस्टीम स्केल निकाल रखा है बच्चों के लिए पता करने के लिए। फिर आती है आपकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कि आपने कैसे निकाला, क्या निकाला, मीन डेविएशन वगैरह क्या क्या निकाला, और लास्ट में फिर आपकी लिमिटेशंस और रेफरेंस। ठीक है, सॉरी लिमिटेशन वही कि आपने कितने बच्चों में कराया है, किस एज ग्रुप में कराया, ये सब। बस ये आपका साइनोप्सिस होता है। ठीक है, अब सबमिट कैसे करना है। तो सबमिशन के लिए आपको डालना होगा ऐसा ईमेल, तो सबमिशन ऑफ साइनोप्सिस अलॉन्ग विद द ग्रेड कार्ड एंड रिप्लाई ईमेल हैविंग कंसेंट लेटर बाय द गाइड। ठीक है, आपको दो मतलब दो पीडीएफ आपको बना के डालनी होगी। एक तो आपका तुम्हारा साइनोप्सिस जिसके अंदर तुमने ग्रेड कार्ड लगाया रखा और अपना कंसेंट लेटर भी लगाया हुआ है, और एक कंसेंट लेटर आप अलग से भी लगाते हो उसमें। ठीक है, तो ये देखो, ये तुम्हारा एक हो गया साइनोप्सिस और एक आपका हो गया कंसेंट लेटर। ठीक है, जो आपका गाइड भेजता है। ठीक है, तो आपको ऐसे दोनों के दोनों भेजने होंगे। और इसके बाद यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डालते हो, नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका जो रीजनल सेंटर है और जिसके अंडर में आपने करा है, और आप फिर ऊपर मेंशन भी कर देना कि आपने अटैच कर दिया है 145 ग्रेड कार्ड पीडीएफ में और रिगार्ड्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा फुल फ्लेटर हो जाएगा, कोई मायका लाल नहीं है। तुम्हारा साइनोप्सिस मतलब कंटेंट के अलावा किसी और बेसिस पर रिजेक्ट करेगा। अब एक बार ही आपने अपना साइनोप्सिस दे दिया, तो उसके बाद आप जैसे ही वो राजघाट में रिसीव कर लेते हैं तो आपको मैसेज भेज देते हैं कि हमने आपका एमएपीसी का प्रोजेक्ट प्रपोजल मिल गया है। और आपका एक बार जब हम साइनोप्सिस छांट लेंगे मतलब रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको बता देंगे। ठीक है, कि आपका जो भी हुआ है उसके हिसाब से क्या हुआ, और वो आपको टाइम भी बता देते हैं कि इतने महीने में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और एक बार ये मैसेज आता है तो उसके बाद में एक मैसेज आता है कि आपको ये 12 से 13 चीज़ें होती हैं, ये फिर से लिख के आपको मतलब सेपरेटली देनी है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये होता है कि जिनका सेलेक्ट हो जाता है ये उनको बोलते हैं कि आप ये सब लिख के दो फर्दर रेफरेंस के लिए, और मेरे ख्याल से मतलब कि क्रॉस चेक करने के लिए कि आपने सही डिटेल्स दी हैं। तो इसमें आपका प्रोग्राम कोड आ जाएगा, आपका कोर्स कोड, आपका सही सेंटर कोड, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, आपका पूरा एड्रेस, आपका टाइटल, आपके गाइड का नाम, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनका गाइड कैसा है, आपका टाइप क्या है, और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें एक बार ध्यान दो, टाइप ऑफ गाइड में लिखा हुआ है एकेडमिक काउंसलर या फिर फ्रॉम अप्रूव लिस्ट। ठीक है, तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट होता है वो सबसे पहले एक अप्रूव लिस्ट निकालता है गाइड्स की, और सबसे पहले बच्चे उनको पकड़ के हड़प लेते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनको नहीं समझ आता या जिनको नहीं इतना एक्सपीरियंस होता है कि मतलब क्या है, कैसे करना है काम, तो फिर वो एक्सटर्नल अपना सोर्स लगाते हैं किसी से, मतलब इधर उधर गाइड वगैरह के नंबर वो मांगते हैं। ठीक है, तो वैसे ही लिस्ट आपको देंगे, और उनके फ़ोन नंबर वगैरह होते हैं गाइड्स के, क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो जानते हैं कि कौन सा वाला हेल्प कर देगा और कौन सा नहीं करेगा हेल्प। बाकी कुछ टाई अप भी होता है, प्लस वही है कि थोड़ा सा जो एजुकेशन है वो मनी सेंटर्ड हो ही गया आपके टाइम पे। तो बताती हूँ मैं कैसे होगा, लास्ट में बताऊँगी। फिलहाल देखो, उसके बाद आपका जो डिटेल्स है वो दे दोगे तो उसके बाद उनका ये मैसेज आएगा, और जब आपका सब हो जाएगा तो आपका सेक्सी वाला मैसेज आएगा ये कि डियर लर्नर, तुम्हारा साइनोप्सिस अप्रूव्ड है, गाइड अप्रूव्ड है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जैसे यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि आपको सैम्पल एज ग्रुप बताना है और आपको रैशनल को एडुकेट लिखना है, तो उसको आप ठीक करके उनको फिर से भेज देते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे मेरा रैशनल कह रहे हैं कि एडुकेट होना चाहिए, तो मैंने इनको रैशनल फिर से भेज दिया, ये मेरा रैशनल है, और इसके बाद मैंने जो सैम्पल एज ग्रुप था वो भी लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद कुछ नहीं होता है कि मतलब ऑलरेडी आपका अप्रूव हो गया है, तो ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके बाद आप फिर आपका जो मेन काम है प्रोजेक्ट है उस पर आप काम शुरू कर देते हो। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ कि मेन भसड़ कहाँ होती है, कहाँ पे ऐसा लगता है कि तुम पढ़ने नहीं, तुम टाइम पास के लिए आए हो। तो सीन ये होता है कि ये सब बहुत सही होता, मतलब सही है। ठीक है, मतलब वो बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं जो राजघाट वगैरह ये सब। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब आपको साइनोप्सिस देना होता है तो साइनोप्सिस के लिए आपको हायर करना होता है एक गाइड। ठीक है, और गाइड का ये सीन है कि आपको स्टार्टिंग में कोई नहीं बताएगा कि गाइड चार्ज करते हैं। ठीक है, और मतलब अगर पता भी होता है तो आप कोशिश करना कि जो आपका गाइड है वो जो बोल रहा है ना, जैसे अगर वो इवन इफ ही सेइंग कि आई एम नॉट टेकिंग एनी चार्जेस, आई विल डू इट फॉर फ्री, मेक श्योर कि यू हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और वॉइस रिकॉर्डिंग ऑफ इट। ठीक है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस होता कि हमारे साथ में ये हुआ था कि उनसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी तो ही सेड कि आई विल डू इट फॉर फ्री। ठीक है, बट हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है, हमारे पास रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं थी और हम बहुत कैजुअली ले रहे थे कि हाँ चलो ठीक है, मतलब हमको पता नहीं था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी कोई उन्होंने मेंशन ही नहीं करा एक्चुअली। द पॉइंट वाज कि ही डिडंट मेंशन कि आई विल टेक चार्ज या आई विल टेक सर्टेन अमाउंट। ठीक है, तो उन्होंने मेंशन नहीं करा तो फिर हमने भी नहीं पूछा, क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड होता है कि टीचर को पूछना कि और कितने पैसे में साइन कर रहे हो। ठीक है, सो यू कांट बी डायरेक्ट, और प्रॉब्लम ही हुई थी कि उन्होंने भी हमको डायरेक्टली कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, एक्चुअली ये हो जाता है कि इनको पता होता है कि अब उनको वही कि साल में उनको दो बारी सेशंस आ रहे, तो उनका उनका वो टाइम पास है। ठीक है, पार्ट टाइम है कि उनको पैसा आएगा ही आएगा। ठीक है, और फिर ये हो जाता है कि साइनोप्सिस एक बार ही आपका गाइड हायर कर लेते हैं साइनोप्सिस में, तो प्रोजेक्ट के लिए भी वही गाइड रहता है। ठीक है,
और गाइड को ये पता होता है कि बीच में ये बंदा जाएगा नहीं, और अगर जाएगा तो उसको साल रिपीट करना होगा, प्रोजेक्ट का टाइटल वगैरह फिर से नया बनाओ, सब बनाओ, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करो, ठीक है। तो इसीलिए वो अच्छा खासा आपको अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। फिर वो आपके ऊपर होता है कि अगर आप आराम से दे रहे हो, एक बारी में दे रहे हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप चिक चिक कर भी देते हो तो थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, ठीक है। साइनोप्सिस उन्होंने हमारा फ्री में करा, फ्री में तो नहीं करा, खैर मतलब वही कि वो बस ऐसे हो गया कि बच्चे को पकड़ लिया आपने, ठीक है। क्योंकि एक बार हेड का आ गया कि हाँ मैंने कंसेंट लेटर दे दिया है, तो उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। हमने वो दे दिया और उनका नाम हमारे साथ में आ गया तो वो जुड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, एक साल ऑलमोस्ट मतलब वही कि कुछ टाइम बाद में, मतलब शायद 7-8 महीने बाद प्रोजेक्ट की बारी आई, तो प्रोजेक्ट हम बनाना शुरू हो गए, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि अगर आप मेक श्योर करना कि जब भी आप प्रोजेक्ट के लिए जो आपका हेड है उससे बात करोगे, गाइड है, आपने उसका स्क्रीनशॉट रखना, ठीक है, कि आपने कब कब बात करी, क्योंकि आपको ये भी प्रोजेक्ट में डालना होता है कि आपने कब कब बात करी, किस टॉपिक पे बात करी, क्या बात करी है, ठीक है। मतलब मैं वो सारे पॉइंट्स बता रही हूँ जिस पॉइंट्स पे तुम्हारा गाइड तुम्हारी वाट लगा सकता है, और तुम्हारे पास में अगर सब पहले से होगा उसके पास कोई रीज़न नहीं होगा कि वो तुमको फालतू का चार्ज करे, ठीक है। और इन्होंने हमसे कोई बात नहीं करी, इन्होंने हमको बोला भी नहीं, इन्होंने हमको बहुत एंड में जाके बोला जब प्रोजेक्ट की डेट आ गई थी, ठीक है, और एक महीना से कम बचा था, क्योंकि उनको पता था कि अगर आप ये मुझसे पूछ भी लेंगे तो मैं तो यही बोलूँगा ना कि तुम कहाँ है प्रोजेक्ट, कहाँ है ये वो, और ऑफकोर्स कि ही नोज़ अ लॉट मोर देन यू, मतलब एक्सपीरियंस वाइज भी और नॉलेज वाइज भी, तो वो तुम्हारे को सीधा सीधे से ठान ठान मारेंगे कि ये स्क्वायर कैसे निकाला, ये कैसे करा, मेन मोड मीडियन क्या, और नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हो तो 90% बच्चा खुद से नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कर भी रहा तो भी मतलब अच्छी बात है, कर लेगा, बट फिर वहाँ पे भी वो प्लेजरिज्म वगैरह ठोक देते हैं। तो इन्होंने ही हमको बोला, इन्होंने सीधा सीधा हमको बोला कि यू गिव मी अ प्रोजेक्ट एंड आई विल चेक इट इफ इट्स प्लेजराइज्ड और नॉट एंड देन आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। और हमने प्रोजेक्ट दे दिया उनको, तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि इट इज़ प्लेजराइज्ड एंड एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो टीचर्स ही यूज़ कर पाते यूनिवर्सिटी वगैरह के, तो मैं उसे चेक करूँगा, ठीक है। बट ऑफकोर्स अगर कोई जो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो टीचर यूज़ कर रहा है तो वो बच्चों को उसको एक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि मुझे वही उसी प्लेजराइज चीज़ का चाहिए, ठीक है। सो इवन इफ आप बाहर पे करके प्लेजरिज्म वगैरह हटवा भी रहे हो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो प्लेजरिज्म होता है वो भी ऐसा नहीं है कि एक बारे में एक्यूरेट हट जाता है, ठीक है। डिफरेंट साइड से अलग अलग प्लेजरिज्म थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता रहता है। तो हमने अगर आप सेम उसका भी करवा लोगे ना, जैसे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है तो उसका भी करवा लोगे तो तब भी अगला बंदा आपको कुछ ना कुछ बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है। एक्चुअली बात ये थी कि इतने सारे भसड़ में अगर वो सीधा हमको बोल देते कि सुनो मैं इतने चार्ज कर रहा हूँ और उसके बिना मैं साइन नहीं करूँगा, वो हमारे लिए इजी होता, बट इट वॉज अ फर्स्ट टाइम फॉर अस। हमको पता नहीं था कि कोई इतना ब्लंट, मतलब टीचर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतना ब्लंट होगा, ठीक है। और फिर हमको समझ नहीं आया ऑफकोर्स, तो हमने उनको बोला कि प्रोजेक्ट हमारा सर, मतलब उन्होंने पूछा कि आपका बन गया, तो हमने बोला हाँ सर इट्स ऑलमोस्ट रेडी, सो वी विल गिव इट टू यू व्हेन विल थिंक इट इज़ डन, ठीक है। तो उन्होंने भी बोल दिया ओके। उसके बाद उन्होंने सीधा सीधा बोला कि गिव मी योर प्रोजेक्ट्स एंड दे आर नॉट रेडी, अपने जो प्रोजेक्ट दिए थे वो रेडी नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा प्लेजरिज्म है, गिव मी 10,000 ईच, हम तीन बंदे थे, गिव मी 10,000 ईच एंड मैं इसको प्लेजरिज्म को मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद भी ये कि मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि प्लेजरिज्म कहाँ पे है, मैं उसको करेक्शन नहीं करूँगा, ठीक है, और किस चीज़ का, जस्ट एक सॉफ्टवेयर का और एक साइन का, ठीक है। सो 10,000 एकदम से इज़ अ लॉट, ठीक है, क्योंकि कोर्स ही 16,000 का, ठीक है। तो उसके बाद से 10,000 का यहाँ पे साइन हो गया, उसके बाद तुम्हारे 3-4 हज़ार तुम अगर साइनोप्सिस दे रहे हो उस बनवा रहे हो बाहर से उसमें हो गया, 3-4 हज़ार तुम्हारा प्रोजेक्ट बन गया, फिर आपका 3-4 हज़ार की बाइंडिंग वगैरह सब हो जाती है, मतलब आपको लास्ट में तीन वो देने होते हैं प्रोजेक्ट के, ठीक है, यहाँ वहाँ इधर उधर, तो सब मिला मिलो के तुम्हारा मतलब भट्टा ही बढ़ जाएगा 50,000 तक का, तो मतलब सेंस नहीं है ना कोई। तो हमने फिर बोला कि सर वी वॉन्ट बी एबल टू गिव यू 10,000, क्योंकि पहले तो बात ही नहीं हुई थी, ठीक है, बट वही कि अगर आप कुछ करोगे भी तो आपके पास में कुछ है नहीं, प्रूफ ही नहीं आपके पास में, क्या कर लोगे आप, ठीक है। तो हमने काफ़ी लड़ाई करी और लास्ट तक उन्होंने बोला कि 2,500 रुपीज़ दो और काम ख़त्म करो, ठीक है, उन्होंने ऐसे करके करी बात। और बट उन्होंने बीच में ऐसा कुछ बोल दिया कि ना एक्चुअली वही है कि साइनोप्सिस में उनके साइन हमारे पास ऑनलाइन ऑलरेडी हैं, ठीक है। सो उनको ये डाउट था कि ये ऐसे ना कर दें कि ये मेरे ऑनलाइन साइन लेके ऐसे ही डाल दें, ठीक है, क्योंकि अप्रूवल के लिए साइन तो चाहिए ना, वो तो ऑनलाइन साइन हमारे पास है ऑलरेडी। बट उन्होंने स्टेटमेंट बोला कि हमको डराने के लिए कि बच्चों को अगर वैसे साइन यूज़ करते तो कोर्ट केस भी हो जाते हैं, ठीक है, और उनका सब खराब हो जाता है, पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। और सीधी सी बात है कि अगर किसी स्टूडेंट को आप ऐसा बोल रहे हो तो पहली बात तो ये कि बहुत गलत इमेज बन रही है बच्चे की, ठीक है, और सेल्फ रिस्पेक्ट बच्चे की होती है, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, ठीक है, हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। वो बात हमको पसंद नहीं है, तो हमने उस पर उनको थोड़ा बोला कि वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट एंड वी आर नॉट द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु विल डू सच थिंग्स एंड मोर ओवर आई डोंट थिंक सो कि मतलब
मैंने थोड़ा ब्लंटली बोल दिया था, ठीक है, और इस उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने बोला कि डू इट योर ऑन योर ओन और आई वॉन्ट बी योर गाइड एनी मोर, ठीक है, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि उनका दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे थे और उनको एक्चुअली ब्लंटली बोलना भी नहीं आ रहा था कि तुमको जब काम करा रहे हैं ना तो बेटा पैसे लगेंगे, ठीक है, और इतना एक्सपीरियंस मुझे है तो उस चीज़ का मैं ऐसे ही चार्ज करूँगा, ठीक है, और ना हमें समझ आया कि मतलब अब एजुकेशन ही है, धंधा ही है, ठीक है। तो इन नटशेल फिर लास्ट में हमने ऑफकोर्स हमने उनको सॉरी बोला क्योंकि हमने इग्नू में बात करी, बट इग्नू में वही होता है कि आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, एनर्जी टाइम सब वेस्ट, आपका फुल मतलब ऐसे चल जाती है, और लास्ट में फिर हमने उनको सॉरी बोला और वो एक अरे मान गए जस्ट मतलब, बट ऑफ कोर्स, ठीक है, तो लक्ष्मी देख के सब मानते हैं, और फिर उनको हमने पैसे दिए, उसके बाद उन्होंने हमको साइन भेज दिया और फिर हमने उसको अप्रूवल के लिए भेज दिया, ठीक है। और इसमें भी हमने 3-4 बारी बीच में उनको प्लेजरिज्म हटा हटा के दिया, मतलब लास्ट में हमारा सिर्फ 8-9% प्लेजरिज्म बच गया था, और मतलब वो हमको समझ आ गया था कि एक्चुअली वो प्लेजरिज्म की वजह से अप्रूवल नहीं दे रहे थे, वो अमाउंट की वजह से नहीं अप्रूव कर रहे थे, ठीक है। सो इन शॉर्ट आपको बस ये करना है कि अपना एक जो भी वो प्राइस बोले ना, एक तो एक पहले से प्राइस फिक्स कर लो, और अगर फ्री है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्योंकि अगर कल को तुम्हारे को कोई भी कुछ कह रहा है मतलब इस समथिंग पे, क्योंकि भैया आपका साल बर्बाद होगा, आपका मतलब प्रोजेक्ट की वजह से आपका काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसके आपको मार्क्स आगे फर्दर आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो उसके उसमें आपको डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारी समरी है, इसके बाद मैं डालूँगी नेक्स्ट वीडियो प्रोजेक्ट की, और प्रोजेक्ट के साथ में कि वाई वाई वगैरह कैसे होगा, ठीक है, बाय।